हाय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन किया। सो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे और आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये पास्ट का चौथा पार्ट है, तो फ्रेंड आते हैं इसके रूल पे। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों ने देख रहा है कि स्टेप में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैड, एवरी विथ एवरी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। हम कैसे पहचानेंगे, हिंदी में वाक्य लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो फ्रेंड ये देखते हैं, चुका, चुकी, चुके के बाद था, थे, थी आदि शब्द आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख रहा है, वी मोहन नहा चुका है, मोहन नहा चुका था, यानी ये पास्ट में काम पूरा हो चुका है, पास्ट में काम पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, मोहन हैड बाथड, मोहन हैड बाथड, मोहन नहा चुका है, यानी मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बाथड वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप को लेते हैं, प्रियंका खाना पका चुकी थी, यानी प्रियंका खाना पका चुकी थी। एक काम प्रियंका के द्वारा जो कार्य खाना पकाने का हुआ है, ये भी पास्ट में पूरा हो चुका है। प्रियंका खाना नहीं पका चुकी थी, यानी ये काम अधूरा है लेकिन पास्ट में अधूरा रहा है, इसलिए ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, प्रियंका हैड नॉट कुक्ड फूड, यानी प्रियंका खाना नहीं पका चुकी थी। क्या अभय सो चुका था, हम इस एग्जाम्पल में ये देख रहे हैं कि हम अभय के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो सोया था कि नहीं। हैड अभय स्लेप्ट, क्या अभय सो चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं, वे क्यों दौड़ चुके थे, इसमें रीजन आ गया, यानी पास्ट में वे क्यों दौड़ चुके थे, यानी यह कार्य पूरा हो चुका, यानी जो भी रीजन है वो रीजन पूरा हो चुका था, यानी क्यों वो दौड़ चुके थे, व्हाई हैड दे रन। तो फ्रेंड, हम लोगों ने इस तरीके से चार एग्जाम्पल के बारे में पढ़ लिया, पहचान के बारे में पढ़ा, रूल के बारे में पढ़ा, और पास्ट टेंस के एवरीथिंग को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।